यूट्यूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं कि आप जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नया जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं जीमेल या फिर ईमेल। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फटाफट से जीमेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जीमेल ओपन करने के बाद आपको आगे का स्टेप बताते हैं, वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखें, वीडियो को समझें। तो गाइस जीमेल ओपन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना, एरो से मैंने आपको शो कर दिया है, ठीक है। तो फटाफट से आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गाइस उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको ऐड अनदर अकाउंट पे, ठीक है। ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं, वेट। तो गाइस ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे क्लिक कर देना है, पहले नंबर पे गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट करना है, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना, तो वेट कर लेते हैं। कभी कभार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है लोडिंग लेने में, तो वेट करना है हमें, और भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, वेट करते हैं। तो गाइस वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, साइन इन का और यहाँ क्रिएट अकाउंट का। तो हम यहाँ पे नया अकाउंट बना रहे हैं, तो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसा कि गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है क्रिएट अकाउंट पे, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, फॉर माई सेल्फ। तो गाइस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम डालना है आपका, जो भी नाम है, मेरा नाम मोहित है, मोहित कुमार फर्स्ट नेम है, एंड सेकंड नेम यानी कि लास्ट नेम सरनेम हो गया मेरा कुमार। तो मैं फटाफट से एंटर कर लेता हूँ। तो जैसा कि गाइस मैंने नाम एंटर कर लिया, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आपकी जो जन्मतिथि है, ठीक है। तो फटाफट से मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगस्त 29। तो मैं फटाफट, तो गाइज यहाँ पे मेल फीमेल कर लेना है आपको, ठीक है, मेल कर लेते हैं। या नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे जीमेल आईडी क्रिएट करनी है, आप अपना जीमेल आईडी यानी कि यूज़र आईडी बोल सकते हैं इसको, जो भी आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। आपको जीमेल आईडी यहाँ पे कुछ यूनिक क्रिएट करना है, आप अपना नाम लगा करके आगे नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं, मोहित कुमार 707 ऐसे करके, मतलब कोई भी अब बना सकते हैं। तो मैं फटाफट से बना लेता हूँ। तो गाइज इस तरीके से आपको क्रिएट कर लेना है, मैंने फटाफट से क्रिएट कर लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से मेरा यूज़र आईडी होगा ये मोहित कुमार, आगे नंबर है, इस तरीके से आप क्रिएट करना। बाकी @ जो ये लगा है ना, ये ऑटोमेटिकली लगा हुआ आता है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपका जो, सॉरी गाइज ये लिया हुआ है तो मैं दूसरा सेट कर लेता हूँ। तो गाइज नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, पासवर्ड जो भी आप अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड रखना चाहते हैं, पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जो भी कोई भी पता ना कर पाए, कोई भी हैक ना कर पाए, ठीक है। तो मैं कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, लिखा भी है यहाँ पे क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं जो मुझे याद रहे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो जैसा कि गाइज मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो मेरा अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे स्लाइड करने के बाद, स्किप का एंड यस आई एम इन। मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। स्किप पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना, सबसे नीचे आकर के, ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करते हैं। थोड़ा लोडिंग लेगा, वेट करना है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, आप यहां से बैक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जीमेल अकाउंट। तो एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, जो नीचे कमेंट करें मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड गाइस मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि गाइस मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ये मैंने इस नाम से मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते थे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइज। तो थैंक यू गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग।